हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। सबसे प्रमुख बात यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है, यानी कि जो अंधकार के बादल थे वो छट रहे हैं और सूर्य की किरण जो है तो फिर से सामने निकल के आ रही है। पेंशन रूपी जो सूर्य की किरण है, इससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ऊपर जल्द ही प्रकाश की कुछ छींटे पड़ेगी, यानी कि जल्द उन्हें पेंशन की राशि दी जाने लगेगी। ये बात मैं नहीं बल्कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा कहा जा रहा है। इसका जीता जाता उदाहरण है जो अभी गोरखपुर में एक बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हुआ है। उस विशाल सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें, जिसमें काफी ज्यादा भारी संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारक एकत्रित हुए थे। यहीं से बस नहीं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई और ये आपके क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों से बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक वहां पे आए थे, एकत्रित हुए थे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे पे गहनता से विचार हुआ। गहनते से मतलब है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अभी तक क्या क्या किए गए और कहाँ पे क्या त्रुटियां हैं, क्यों पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है और इसको आगे चल के पार्लियामेंट में एक बार फिर से विस्तृत तरीके से इस पर चर्चा होने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ यहाँ पे यह भी बताया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे पर ऑलरेडी बात चल रही है, किस कारण से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाई है। बड़ी शर्म की बात है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि मात्र 1000 रुपए है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अभी तक मात्र 1000 रुपए पेंशन पेंशन में वृद्धि का कोई नाम और निशान नहीं है। अब बात हम लोग करते हैं पॉइंट की कि निष्कर्ष निकल के क्या आया है। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक यानी कि जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन देश के जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाने में, साथ ही साथ में इस देश को बनाने में, इस देश के विकास में काम किया, इसके बाद जो पेंशन मिली उसका कुछ प्रतिशत जो तो पेंशन फंड में अंशदान भी किया, इसके बावजूद पेंशनर्स को मात्र 1000 से 1100 रुपए तक ही पेंशन की राशि मिलती है, यानी कि सीमित पेंशन। जिन्होंने कोई अंशदान नहीं किया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया, ना तो किसी भी प्रकार के पेंशन फंड में कोई राशि जमा कराई, इसके बावजूद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से बढ़ी हुई पेंशन की राशि उनको मिल रही है। बिल्कुल पॉइंट की बात है। अब कहना यह है कि अगर उनको पेंशन की राशि दी जा सकती है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्यों नहीं मिल पाती, क्यों नहीं दी जा सकती। इस मामले को जो तुम इस मुद्दे को पार्लियामेंट में भाजपा के वरिष्ठ नेता एक हैं, उन्होंने इसको जो तो वहां पार्लियामेंट में रखने की बात की है। नाम भी बताऊंगा इसके ऊपर, ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो में या आप पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं जहां पे मैंने बता दिया है। हालांकि इसको डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में प्रकाशित किया गया है, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इसको बहुत बड़ा एक रूप दिया गया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर उस पर फैसला जो तो फाइनल फैसला देने को सरकार भी तैयार हो गई है। लेकिन यह है कि फैसला क्या निकल के आया है इस पर भी किसी का कोई विचार नहीं है। मुख्यतः बात है कि यहाँ पे बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक ये भी बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम जो तो पूर्ण रूप से जो तो अपने जो उन्होंने एक बताया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इस समय तक में जो तो उनकी पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, उस पर खरे नहीं उतर रहे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कहीं ना कहीं और मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। स्पेशली कमांडर अशोक राव जी, जिनके बैनर तले ईपीएस 95 पेंशन धारक भरोसा विश्वास दोनों लगा के जो तो उनके साथ उनके पीछे जो तो खड़े हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि करवाने में कमांडर अशोक राव जी एक अहम भूमिका अपना निभा रहे हैं, उन्हीं के साथ में कमांडर अशोक राव जी के साथ में खड़े हैं। कुछ पेंशनर्स का कहना यह भी है कि कमांडर अशोक राव जी बहुत अच्छे तरीके से काम करें, लेकिन कुछ पेंशनर्स का भरोसा धीरे धीरे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के ऊपर से उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मेरा जो व्यक्तिगत ओपिनियन है या व्यक्तिगत राय है तो मैं अपनी राय रखता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कमांडर अशोक राव जी लगातार संघर्ष प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द से जल्द पेंशन कमांडर अशोक राव जी अवश्य दिलाएंगे। साथ ही साथ में सरकार भी एक्टिव हो चुकी है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर तत्परता से कार्य किए जा रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह खबर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।